नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर हिट मुकाबला। जी हाँ, सुपर संडे का सुपर हिट मुकाबला। जब जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो मुकाबले का सुपर हिट होना लाजमी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आज इसलिए है क्योंकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की तरह है। जो हारा इस टूर्नामेंट से बाहर। एशिया की दो बड़ी टीमें आज भिड़ने जा रही हैं और जरूर चाहेंगी कि श्रीलंका की तरह सेमीफाइनल में एंट्री बनाई जाए, और लगभग आज जीत गए तो सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन क्या टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी क्रम है, नीचे का बल्लेबाजी क्रम, जहां पर धोनी, युवराज, रैना जैसे बल्लेबाज नहीं है, वो सिरदर्दी तो नहीं बनेगा? गेंदबाजी कहीं हार की वजह तो नहीं बन जाएगी? इस सब पर हम चर्चा करेंगे, साथ में टॉस बताएंगे, आपको बताएंगे कि क्या टीम इंडिया को करना चाहिए, टॉस जीतकर या हार कर क्या टीम इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, और साथ ही क्या होना चाहिए प्लेइंग 11। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा जी। अजय जी, बहुत स्वागत है। शुक्रिया नरेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर हिट मुकाबला। बीजेपी उनको काले झंडे नहीं, वो तो कानूनी दायरे में है ना चीजें। आप किसी के घर प्रदर्शन करने जाएं, ठीक है, आपको कोई काले झंडे दिखा दे आपको दिक्कत। और जितेंद्र जी, शंटी साहब, आरोप तो सीधे सीधे मोदी पर जड़ दिए हैं आशुतोष ने। उनका तो ये कहना है कि दिल्ली पुलिस भी मोदी के इशारे पर काम कर रही है। इनको तो आदत पड़ गई है कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। तो ये बात आपने केजरीवाल तक या जो जो पार्टी के जो जिसको कहें कि झंडा बरदार हैं, जो सामने दिखते हैं चेहरे, उन तक पहुंचाई नहीं? बिल्कुल, मैंने पहले, सबसे पहला पहले मैंने अरविंद को ही, क्योंकि पर आग लगने वाली है। वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान का बेहद अहम मुकाबला एशिया कप के रण में होने जा रहा है। ये हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने एशिया कप 2010 में पाकिस्तान को पीटा, एशिया कप 2012 में पाकिस्तान को पीटा, अब 2014 में। क्या एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगेगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, और उससे पहले सियासत चरम पर है, और खासकर बिहार तो एक सियासी अखाड़ा बन गया है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर फिर से समाजवाद का चेहरा निखर कर सामने आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिलते ही शफीकुर रहमान वर्ग के समर्थकों पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा कि सरेआम उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और न्यूज 100 में सबसे पहले खबर चुनाव और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। आम चुनाव में तकरीबन 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब तक गठबंधन नहीं हो सका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मीडिया में आ रही खबरों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में अब तक गठबंधन नहीं बन पाया है। कहने को ये विश्व कप का महामुकाबला है और कहने को 50-50 ओवर का एक और मैच भी। बस इन्हीं दोनों बातों में टीम इंडिया को बैलेंस बनाना है। ना तो इसे महामुकाबला समझकर इसके दबाव में आना है और ना ही 50-50 ओवर का एक और मैच समझकर इसे हल्के में लेना है। यही बैलेंस तय करेगा कि टीम इंडिया का सफर कहां पर खत्म होता है। क्या माही आर्मी चैंपियन बनती है या फिर मंजिल की दहलीज पर आकर फिसल जाती है। लेजेंड कभी रिटायर नहीं होते, और ऐसा ही सचिन के साथ भी है। सचिन ने मैदान चाहे छोड़ दिया हो, लेकिन जब तक ये दुनिया है, जब तक ये क्रिकेट का खेल है, सचिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसते रहेंगे, क्योंकि सचिन है सदा के लिए। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ नरेंद्र सिंह, P7 न्यूज़।